क्लासेस क्या होती हैं ब्लू जे की या फिर जावा की स्पेशलिटी क्या क्या है इसलिए हम लोगों को थ्योरी पढ़नी जरूरी होती है और अगर थ्योरी आपकी अगर क्लियर होगी तो फिर आपकी जो थ्योरी के मार्क्स रहते हैं अराउंड फोर्टी मार्क्स की जो थ्योरी होती है सो so उसमें से लेट से ट्वेंटी फाइव मार्क्स का जो वन वर्ड के आंसर्स आते हैं या फिर आपका आउटफुट प्रोडिक्शन आता है या कभी कभार वन वर्ड के आ जाता है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग या डिफाइन आ जाता है तो वो आपकी थ्योरी ऑफकोर्स अगर क्लियर होगी तो आप लोग ये सब आराम से कर पाओगे तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम लोग जावा पढ़ते क्यों हैं कि वाई डू वी नीड टू स्टडी जावा क्योंकि जावा एक स्पेशल लैंग्वेज है वी गिव जावा अ स्पेशल ट्रीटमेंट जावा का स्पेशल ट्रीटमेंट है के तो जावा के पास ऐसी स्पेशल चीज़ क्या है तो जावा के पास एक ऐसी स्पेशल पावर है डाटा इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो ये जावा की स्पेशलिटी कह सकते हो या जावा की स्पेशल पावर कह सकते हो अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जावा की स्पेशलिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोग इसे शॉर्ट में ऊप् बोलते हैं तो कोई बात नहीं लेट देम स्पीक ऊपस ओनली पर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए क्योंकि हर एक प्रोग्राम मतलब अगर मैं एक हेलो वर्ल्ड का भी जो प्रोग्राम लिखूंगी उस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के लिए भी आई हैव टू क्रिएट अ क्लास एंड आई हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर द मस्ट विदाउट क्लास बनाए या बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कोई भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक आप लोग नहीं लिख सकते सो so, क्लास बनाना एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन आर अ मस्ट तो इसलिए जावा को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि जावा में जो भी हम मतलब अपना प्रोग्राम लिखेंगे या कोड लिखेंगे इट हैज टू बी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप ओके इसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देती हूँ अगर हम लोग अपना ब्लू जे आई ओपन करते हैं

मैंने क्या करा इसका ओपन करना पड़ेगा मैंने क्लास अपनी ओपन करी ओके अब मैं आपको दिखाती हूँ रियलिटी ये मेरा प्रोग्राम है मैंने इसको सबको क्लियर करा और मैंने क्लास पीपी -पी वन बना दी ओके इसमें मैंने सिंपली क्या करूंगी एक वर्ड मेन बनाऊंगी वर्ड मेन में हम लोग क्या करेंगे एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे दैट इज वॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन एज सिंपल एज दैट और मैंने यहाँ पे हाई प्रिंट कर दिया ये आप देख सकते हैं ये मेरा सिंपल प्रोग्राम है अब मुझे एक चीज़ बताइए मैंने क्या कहा था जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जावा कहता है कि आपको क्लास बनानी पड़ेगी आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो पहले देखते हैं हम लोग एक इसकी कंडीशन जो प्री रिक्वेस्टेड है कि आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो हम लोग पहले क्लास को गायब करके देखते हैं तो क्लास हमने इसका जो क्लास का ये कीवर्ड है जो बताता है कि हमारा पूरा प्रोग्राम ये क्लास में बना है उसको मैंने अगर रिमूव कर दिया ओके और मैंने अब मैंने बनाने की कोशिश करी अ क्लास ठीक है तो मैं देखती हूँ कंपाइल करके एरर दे दिया क्लास इंटरफेस और एनएम एक्सपेक्टेड इंटरफेस और एनएम आप लोग जब बहुत कोर जावा या हाइयर जावा एडवांस जावा पढ़ोगे तब समझ में आएगा बट एज ऑफ नाउ देखो उसने क्लास मांगी उसने कहा मैं बिना क्लास के प्रोग्राम नहीं रन करूंगा आप जो करना है कर लो तो ये एक पहले ही प्रीरिक्विजिट है कि जावा क्लास के बिना काम नहीं करेगी तो आप देख सकते हैं अब देखिए ऑफकोर्स उसने कहा कि नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम चलो ठीक है एक काम तो हमने कर लिया फर्स्ट स्टेप हमने बेबी स्टेप ले लिया अपना अब बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे ये जो रेड कलर का बनता है दिस इज नोन एज दी ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं जिसको अगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये एक क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट के नीचे ये लिखा होगा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कैन यू सी दिस टर्म क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हैज़ है ओके तो ये बता दे कि आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है येलो ये रेड कलर का और ये तैयार है वर्क करने के लिए तो मैंने क्या करा वॉइडमेन से कॉल कर दिया और आपको हाई मिल गया एज आर आउटपुट अब एक बात बताओ अब और कोई हमारे पास तरीका नहीं है तो मैं बिना ऑब्जेक्ट कॉल करे क्या कोई तरीका है यहाँ पे कि मैं इसे कॉल करवा पाऊँ मैं अपना वॉयड मेन कॉल करवा पाऊँ हाई प्रिंट करवा पाऊँ तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट के बिना आप एक भी कोई प्रोग्राम रन नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट तो इसका आंसर ऐसे जाएगा कि हम लोग कहेंगे जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कंसिडर्ड टू बी अ सेट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट व्हिच कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर एंड फॉर दैट ईच ऑब्जेक्ट हैज टू बी मेड दैट इंटरेक्ट्स विद अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम टू बी कंट्रोल्ड इज इट क्लियर

तो यही मैंने लिखा है कि इट इज़ यूज्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कंसिडर टू हैव अ सेट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प्स टू कम्प्लीट द टास्क ईच ऑब्जेक्ट डूज अ वेरियस परफॉर्मेंस या डू वेरियस टास्क विच हेल्प्स अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू वर्क इन अ कंट्रोल्ड मैनर क्लियर ओके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच मैम व्हाट डज दिस मीन दिस मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि मतलब जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने अभी आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट ओरिएट का मतलब क्या हुआ कि मतलब हर चीज हर चीज जावा की ऑब्जेक्ट और क्लास से ही काम करेगी उसका मतलब यही हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएटेड के अपने कुछ फीचर्स हैं तो पहला फीचर यही है कि क्लास होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसके बाद बाकी उसके जो फीचर्स आते हैं देट आर वॉट दैट आर योर इनकेप्सुलेशन उसके बाद आपका आता है इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के बाद आपका आता है पॉलीमोफिजम फिर ये उसके बाकी के कुछ अलग फीचर्स रहते हैं पर अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि अगर क्लास और ऑब्जेक्ट ही नहीं बना तो ये फीचर्स भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इनसे ही लिंक्ड है क्योंकि इनकेशन इनहेरिटेंस और पॉलीमोफिज्म प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं तो प्रोग्रामिंग तो टेक्निक्स आप तभी कर पाओगे जब आप प्रोग्राम बनाओगे और प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो इसलिए इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा एट एनी कॉस्ट अब क्लियर हुआ ओके सो नाउ लेट्स सी वॉट इज एन ऑब्जेक्ट आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है? इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में समझाती हूँ ओके okay, तो जस्ट मैं उदास बनाई ओके okay, तो क्लास में मैंने क्या करा मेरी क्लास थी उसका नेम था एक मिनट यस yes. तो मेरी क्लास थी मैंने एक क्लास बनाई ये देखिए ठीक है ये मेरी क्लास थी मैंने उसको क्लास का नाम दिया लेट से कार ठीक है कार का एक वेरिएबल था लेट्स से इंट एवरेज जो मतलब क्ला आपकी जो कार नाम की क्लास है या एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो कि मतलब कार एक एवरेज कितना देती है वो हमने इन टाइप के में कर लिया उसके बाद मैंने एक वर्ड मेथड बनाया ठीक है एक मेथड लेट से कि रन कि वो रन कहाँ पे करेगी ओके या रन की जगह काम करो आप लोग उसका कलर ले लीजिए थोड़ा वो ज़्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल होगा ओके तो हमने क्या करा उसका कलर ले लिया यहाँ पे कि वाइट कलर नाम का एक फंक्शन बनाया उसमें हम कलर बताएंगे कि क्या कलर डालना है ठीक है तो ये एक कंपनी का रूम था शोरूम था तो उसने बहुत सारी अलग अलग कार्स बना दी कार तो उसने बना दी पर क्या हुआ आपको देखो आप देख सकते हो कि हर कंपनी में जैसे एक शोरूम है तो उसमें अलग अलग कस्टमर्स आते हैं तो कंपनी ने क्या करा एक अपना शोरूम में कुछ फंक्शंस दे दिए कार को एवरेज और कलर ठीक है और उसके बाद एक कस्टमर आया ठीक है कस्टमर वन आया उसने कहा ठीक है कस्टमर वन ने कहा मैं कस्टमर को शॉर्ट में सी यू सी यू एस लिख लेती हूँ कस्टमर वन आया उसने कहा यार मेरे को जो आपकी कार चाहिए ना मेरे को उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैं डिफ़ाइन करूँगा कि मैं बताऊँगा कि एवरेज उसका लेट्स से होना चाहिए टेन और उसका जो कलर होना चाहिए जो उसका फंक्शन है कलर तो लेट से उसका कलर हमेशा रेड रहना चाहिए तो ये हमने बता दिया ठीक है तो कस्टमर टू आया कस्टमर टू ने कहा नहीं मेरे को अब कस्टमर टू ने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस करी उसने कहा मुझे जो कार चाहिए मुझे उसका एवरेज चाहिए लेट से ट्वेल्व और उसका हमेशा जो कलर होना चाहिए इट शुड बी ग्रीन फिर कस्टमर थ्री आया कस्टमर थ्री ने क्या कहा उसने कहा नहीं मुझे अपना अलग स्पेसिफिकेशंस चाहिए उसने क्या करा उसने एवरेज कहा कि आई वॉन्ट फिफ्टीन एंड उसने कलर मेथड में कहा कि मेरे को जो कलर करवाना है इट शुड बी ग्रे तो क्या हुआ एक तरह से अब हम लोग कंप्यूटर में सोचें तो जो हमारी क्लास होती है वो खाली अपने अंदर सामान रखती है दैट इज उसने वेरिएबल रखा इंट एवरेज और वाइट कलर का फंक्शन ये जो कस्टमर वन कस्टमर टू कस्टमर थ्री थे वो आए इनको हम लोग कह सकते हैं अब ऑब्जेक्ट्स ये जो कस्टमर्स थे देवर ऑब्जेक्ट्स उन लोगों ने आके क्या करा अपनी अपनी वैल्यूज या अपने अपने अकॉर्डिंग अपने स्पेसिफिकेशंस लगाए मतलब उन्होंने क्या करा कार में से सम्मान उठाया कि उन्होंने देखा अच्छा कार में एक एवरेज नाम का फंक्शन है ओके okay. मेथड है या वेरिएबल है उसने क्या करा उसकी वैल्यू दे दी टेन ऑब्जेक्ट टू आया उसने क्या करा देखा अच्छा इसमें इंट एवरेज नाम का एक वेरिएबल है तो उसने क्या करा उसको वैल्यू ट्वेल्व दूसरा आया कस्टमर उसने अपनी वैल्यू अलग दे दी तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं आते हैं क्लास में से उसका सामान उठाते हैं और अलग अलग वैल्यूज देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट इसलिए डिस्टिंग्विश हो जाते हैं अलग अलग कैसे हो गए ऑब्जेक्ट वन ने क्या करा एवरेज की वैल्यू टेन दी ऑब्जेक्ट टू ने क्या करीब आपके एवरेज की वैल्यू ट्वेल्थ दे दी इन द सिमिलर वे कस्टमर वन ने कलर दे दिया रेड कस्टमर थ्री ने कलर दे दिया ग्रे पर आप में इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या देखी सिमिलैरिटी क्या थी इन तीनों में कि इन तीनों ने समान जो उठाया है मतलब इनका जो वेरिएबल और इनका जो फंक्शन है वो तो सेम ही है एवरेज तो इन्होंने क्लास से उठाया है और इन्होंने जो कलर है तीनों ने कलर कहाँ से उठाया है ये भी क्लास से ही उठाया है तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं क्लास से एक तरीके से ब्लू कह दो या फिर एक ड्राफ्ट उठा लेते हैं कि मतलब तुम मेरे को सामान बता दो बाकी उसमें सामान की वैल्यूज़ मैं दूंगा वो क्या करता है ऑब्जेक्ट खुद अपने हिसाब से देता है तो ये क्लास क्या होती है इस तरीके से ये जेनरिक बन जाती है मतलब कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है आके अगर मान लो कोई एक शोरूम है उसने स्पेसिफिक चीज़ें बनानी शुरू कर दी तो कौन आएगा उसके शोरूम में क्योंकि लोगों को तो सबको अपनी पसंद से चीज़ें चाहिए होती हैं तो इन द सेम वे क्लास में क्या है बस समान बता दिया कि आई विल हैव अ इंट एवरेज और मेरे पास एक फंक्शन होगा व्हाइट कलर का आप लोग अपने हिसाब से उसमें सामान डाल दीजिएगा तो ये क्या है कस्टमर्स डीज आर द ऑब्जेक्ट्स पर इनमें क्लास से क्या कॉमन है क्लास से कॉमन है कि इन्होंने क्लास से ही अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस उठाए हैं मतलब उन्हीं से समान लिया है तो ऑब्जेक्ट हम लोग कभी भी डायरेक्टली बिना क्लास के नहीं बना सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट को सामान की नॉलेज कहाँ से आएगी क्लास से ही तो आएगी वो देखेगा क्लास में क्या क्या सामान तभी तो मैं अपने आप को बना पाऊंगा तो पता ही नहीं कैसे बनना है तो इसलिए क्लास बनना बहुत जरूरी होता है ओके okay? हम लोग सिंपली ब्लूजे में इसका लाइव एग्जाम्पल कैसे लेंगे आई विल जस्ट रिमूव दिस हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं अब मैं क्या करती हूँ इसके ऊपर इसमें कुछ सिंपली इंट डाल देती हूँ इंट आई ओके एक वेरिएबल ले लेती हूँ क्लास वेरिएबल और यहाँ पर इसकी पैरामीटरइज इनपुट ले लेती हूँ फॉर द सेक और मैं यहाँ पर आई प्रिंट करवाती हूँ अब आप देखिएगा मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊँगी और इंट आई की अलग अलग वैल्यूज़ दूँगी तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट अब अलग अलग बनाए लेट्स मैंने यहाँ पर डाला ओ बी वन नेक्स्ट मैंने डाला अब एक और ओके न्यू ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मैंने पी पी वन उसका अब नाम दे दिया नेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट लिया मैंने इसको क्यू डब्ल्यू दे दिया नेमिंग आप खुद कर सकते हो मैंने थ्री ऑब्जेक्ट्स बना चुकी हूँ अब मैंने जो थ्री ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं अब हम लोग क्या करेंगे उन थ्री ऑब्जेक्ट्स का सिंपली वर्ड मेन से रन करेंगे तो मैंने इसमें देखिए इंट की वैल्यू ट्वेल्व दी रन हो गया कोई दिक्कत नहीं हुई ठीक है अब मैं इसमें करूंगी अब इंड की वैल्यू मेरे को ट्वेल्व नहीं चाहिए आई वॉन्ट थर्टीन थर्टीन प्रिंट कर दी तो आप देख सकते हैं अब थर्टीन आ जाएगी वैल्यू ये देखिए इंट आई इधर मैंने लेट से दे दी ट्रिपल वन तो इधर आउटपुट में ट्रिपल वन आ चुकी है तो आपने देखा क्लास एक थी पर हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग वैल्यूज ले ली तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है और ऑब्जेक्ट क्या करता है खाली क्लास से उसका सामान उठाता है वैल्यूज ऑब्जेक्ट खुद देता है तो आप देख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट को मैंने ट्वेल्थ दी थी फिर थर्टीन फिर इलेवन वन 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 तो अलग अलग वैल्यूज आपको प्रिंट होके मिल गई इज इट क्लियर क्लास के ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हम वैल्यू खुद चेंज करेंगे या उनकी वैल्यू खुद डालेंगे तो उन्हें बोलते हैं हम लोग स्टेट ठीक है और ये जो मेथड्स हैं जैसे अगर मैंने मान लो वर्ल्ड रन मेथड बना लिया एक ओके वर्ल्ड रन और मैंने रन मेथड बनाया और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ से इंट आई जो वैल्यू है वो मैंने दी है ठीक है और मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर देती हूँ ओके लेट्स डू इट प्रिंट एल एन आई यर और हम लोग क्या करेंगे अब इसको कॉल करवा लेते हैं लेट मी कॉल दिस अब ये कैसे कॉल होगा बेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू ये होगा कॉल तो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाने के लिए आई हैव टू डू आई हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट तो मैंने अब ऑब्जेक्ट बनाया अब मेरा ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा इट विल बी क्लास का नाम ओके एंड ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास का अगेन नेम ओके एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगी अपनी वैल्यू जो भी मैं पैरामीटवाइ इनपुट करवाऊंगी दैट्स इट तो अब आप देखिएगा ये जो हमारा होता है जो वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करते हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं अलग अलग क्योंकि जैसे माइलेज एक देगा फिफ्टीन एक कार देगी माइलेज ट्वेंटी तो हमने अलग अलग डिस्टिंग्विश करा उनकी वैल्यू से तो दैट आर नोन एज वॉट दे आर नोन एज अ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर स्टेट ठीक है पर ये कितना रन करवा रहा है उसको तो दिस इज नोन एज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है इसको बिहेवियर भी कह सकते हो या फिर आप लोग और यू कैन कॉल द मेथड्स मेथड्स तो एज अ नेम सजेस्ट ठीक है तो एक बार देखिए रन करके देखते हैं कि क्या होता है सो लेट्स सी अब देखिए मेथड मतलब इसका बिहेवियर क्लास रन कितना करेगी जितना मैं बताऊंगी आई और आई क्या है एग्जैक्टली exactly? वो उसका करंट वैल्यू या स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है तो लेट्स रन दिस अगेन ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ठीक है और एक और दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और अलग अलग वैल्यूज डालेंगे उनमें तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और मैंने उसमें वर्ड मीन से कॉल करवाया वैल्यू दीजिए मैंने कहा मेरे को थर्टीन रन करवाना है देखते हैं थर्टीन आ जाएगी नहीं ओके सो जस्ट अ सेकेंड मैंने एस ओ पी एल एन नहीं करा था सो जस्ट पुट मी जस्ट अ से वैल्यू दी है बट नहीं मेरे को अलग अलग चाहिए तो मैं क्या करूंगी एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा अब मैंने इसकी वैल्यू लेट से मैंने कर दी वर्ड मेन से कॉल करवाया और मैंने इसकी कर दी सिक्सटी फाइव तो आप देख सकते हैं सिक्सटी फाइव हमें प्रिंट होके मिल गया होगा सो so, ये ओके सिक्सटी फाइव सो लेट्स रन दिसव पहले वैल्यू थी हमारे ऑब्जेक्ट की एंड थर्टी सिक्स तो हम अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपने देखा कि हमने एक ही वेरिएबल था पर एक वेरिएबल ने कितनी सारी वैल्यूज प्रोड्यूस कर दी इन द सेम वे वाइड रन था हमने उस वेरिएबल था लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आई प्लस ट्वेल्व करवा देती तो वॉट एवर बी द वैल्यू उसमें प्लस ट्वेल्व हो जाता ओके okay, तो आई बिलीव कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कितना की सिंपली डेफिनेशन में कि अगर किसी ने कहा कि डिफाइन ऑब्जेक्ट तो हम लोग कहेंगे कि वॉट एन ऑब्जेक्ट इज अल सिंपली अ सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ वेरिएबल्स क्या लिखेंगे इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ वेरिएबल्स एंड द रिलेटेड मेथड्स वॉट एंड द रिलेटेड मेथड्स सिंपली क्यों क्योंकि हमने बताया था कि वो वेरिएबल्स और मेथड्स जो क्लास में से होता है उसको उठाता है और उनमें वैल्यूज देता है द उसका क्या लिखेंगे ना ऑब्जेक्ट इज अ सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम

तो बिहेवियर क्या होता है हमारा मेथड जो बता रहा है कि अच्छा अब ये काम करना है आगे ओके okay? सो so, हम लोग ऑब्जेक्ट को निक नेम या स्नो नेम भी कहते हैं कि स्नो नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस कि कोई अभी बाई पूछ पूछे ना डिफाइन एन इंस्टेंस तो इट इज़ नथिंग इट इज ओनली ऑब्जेक्ट ओनली तो ऑब्जेक्ट को कुछ लोग इंस्टेंस भी कहते हैं सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद इट ओके ऑब्जेक्ट वॉट इज एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ वेरिएबल्स एंड रिलेटेड मेथड्स एन ऑब्जेक्ट is a self-contained element of a computer program that represents related methods and variables and designed to do a specific task the features of an object are its state and behavior that are also known as variable and methods object are also, objects are also called as instance Ab clear hua sabko? Yes,

दैट आर कॉमन टू ऑल दब्जेक्ट ऑफ अटन ऑफकोर्स है क्योंकि ऑब्जेक्ट सामान कहाँ से उठा रहे हैं क्लास से Those, of course, same तो अफकोर्स वो सेम तो होंगे ही तो क्लास क्या करती है उन सबका सेम सामान अपने पास रख लेती है ओके वो कहो कि ओप्स के हमने पहले दो फीचर्स तो कवर कर लिए दैट इज एन ऑब्जेक्ट और क्लास बट स्टिल हमने भी सारे फीचर्स नहीं कवर करे तो दूसरा फीचर जो हमारी आता है पॉइंट पे दैट इज एब्सट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर यू मस्ट नो एब्सट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ओनली द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम यूँ कह सकते हो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ओनली इसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है ऑफ द इंटायर सिस्टम ठीक है तो इसका मतलब है इट इज़ यूज टू शो ओनली देंशियल फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम एंड हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी या ऑफ द इंटायर सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटायर सिस्टम ये डेफिनेशन हो गई अब ये डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे कैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैं अभी आपको लेके दिखाती हूँ जैसे हम लोग क्या करते हैं दिस इज़ माई टी वी ओके ये हमारा टी वी है एंड दिस इज़ योर रिमोट आपने टी वी से टी वी को ऑन करा रिमोट से टी वी ऑन हो गया टी वी को आपने रिमोट से ऑफ़ करा टी वी ऑफ हो गया दिस इज ऑफ आपने कभी सोचा कि क्या कहते हैं ऐसा क्या दोनों के बीच में कनेक्शन है कि एक सिंगल बटन के क्लिक से टीवी ऑन हो रहा है टीवी ऑफ हो रहा है आपने क्या करा यू जस्ट यूज इट फीचर आपने रिमोट का जो फीचर था आपने उसको बस यूज करा ताकि आपका जो टास्क है या वर्क है कम्पलीट हो जाए ट्रू वॉच द टीवी पर आपने खाली उसका जो असेंशियल फीचर ऑन ऑफ का बटन का आपने बस उसे ऑन करना सीखा बंद करना सीखा आप लोगों ने कभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी कि यार पीछे आके एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है या फिर ये कोई रेडियो वेव्स हैं अंदर कैसे पूरा प्रोसेसिंग होता है जब मैं ऑन बटन दबाता हूँ तो टी वी कौन सा सिग्नल जाता है आखिर ये किस तरीके से बना है इसकी टी की जो चिप है वो सिलेनियम की बनी है किसकी बनी है टिन की कॉपर की किसकी आपने कभी उसकी बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी आपने क्या करा खाली अपना टी ऑन ऑफ़ करा आपने जो अपना वर्क असाइन था आपको कि टी देखना है तो आपने टी देखा और आपने टीवी बंद करना था तो आपने टीवी क्लोज कर दिया आपने कभी उसकी बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जाकर देखी तो एब्स्ट्रैक्शन भी क्या करता है आपको कंप्यूटर में आप क्लास बनाते हो क्लास बनाते हो ठीक है आपने वर्डम बनाया बनाया उसके बाद आपने प्रोग्राम रन करा रन करा ओके okay, आपने ये सब कर दिया पर आपने कभी बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटी में जा करें देखा कि आखिर एग्जैक्टली exactly जब क्लास में बनाता हूँ तो क्या होता है पीछे कंप्यूटर में या जब मैं कंपाइलर से रन करता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद तो आखिर एग्जैक्टली कंपाइलर में होता क्या है तो आपने क्या करा खाली अपनी क्लास बनाई प्रोग्राम बनाई आउटपुट लिया एंड यू आर डन फॉर द डे बट हमने कभी भी पीछे कॉम्प्लेक्सिटी में जाकर नहीं देखा कि आखिर एक्जैक्टली कंपाइलर में होता क्या है कंपाइलर पहले हमारा जो कोड है उसे बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट करता है बाइट कोड दिखता कैसा है एग्जैक्टली बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद हमारा प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है डाटे जीरो एंड वन तो उसमें कैसा दिखता है हमने कभी परवाह नहीं करी वी जस्ट गॉट हमने प्रोग्राम लिखा वी गॉट द आउटपुट एंड वी गॉट हैप्पी तो दिस इज नोन एज कि हमने अपना काम करा इट इज क्या लिखा था मैंने डेफिनेशन में इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इसमें क्या होता है इट रिप्रेजेंट ओनली द देंशियल फीचर्स विदाउट गेटिंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बैकग्राउंड डिटेल्स सो इट इज यूज टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटायर प्रोग्राम तो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है हमारा है इन कैप्सुलेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है उब्स का और इट इज द मोस्ट एसेंशियल फीचर आफ्टर ऑब्जेक्ट इन क्लास इनके क्या कहता है कि हमें अपना प्रोग्राम ना सेव रखना चाहिए लाइक like, हम लोग कह सकते हैं इट इज अ मैकेजम दैट बाइंड्स द कोड बाइंड्स द कोड एंड कीप्स बाइंड्स द कोड और जो भी उसके अंदर डेटा वैल्यूज हमने डाली हैं इन द्वारा की वो बाइंड्स द कोड एंड डेटा इट मैनुट बाइंड्स द कोड एंड डेटा इट मैन्युप्लेस टुगेदर एंड कीप्स सेफ एंड इसको साथ में जब मैन्युप्लेट करके इनको एक जगह रख लेता है दिस कीप्स इट सेफ फ्राम आउटसाइड इंटरफेयरेंस एंड मिस यूज़ तो एक तरह से ये हमारा एंटी वायरस होता है ना हम लोग वो कह सकते हैं आउटसाइड फ्राम आउटसाइड इंटरफेयरेंस एंड मिस यूज़ ओके तो ये कैसे होता है ये अब सुनिएगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग तो इसको भी हम लोग स्टोरी फॉर्म में समझेंगे तो मज़ा आएगा तो हम लोग क्या करते हैं मैंने एक क्लास बनाई ठीक है और मैंने स्टूडेंट एस वन के नाम से बना दी मैंने क्या करा इंट एज ली स्टूडेंट की ओके और मैंने यहाँ पे निचलाइज करवा दी फिर मैंने क्या करा एक मेथड बनाया ओके okay, और मैंने वर्ड इनपुट डाल दिया इसका मेथड का नाम वर्ड इनपुट पे मैं क्या कर रही हूँ मैं ले रही हूँ लेट्स से ए ठीक है ए के बाद हमने क्या कर दी एज ले ली और हमने एज की वैल्यू ए में डाल के चले गए और मैंने वर्ड मेन में हम लोग क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के कर बाद हम लोग क्या कर देंगे लेट से द ऑब्जेक्ट इज एस वन इज ओ बी इज इक्वल टू न्यू एस वन ये मैंने इतना कर दिया अब मैंने क्या करा रहा ओ बी डॉट इनपुट ओके जी इनपुट में मैंने एड अमलेट से इंट बी ले लिया या ए ले लो जो भी लेना है अब क्या हुआ एक मैंने तो ये प्रोग्राम लिख के चली गई और मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू क्या डाली मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करी फिफ्टीन तो क्या हुआ यहाँ पे ए की वैल्यू फिफ्टीन आ गई तो इनडायरेक्टली एज की वैल्यू अब क्या हो गई फिफ्टीन हो गई मतलब स्टूडेंट की एज फिफ्टीन है वेरी गुड पर अब एक आया हैकर या यू कह दो एक मिशिफ कोड ठीक है उसने क्या करा एक मिसचिफ कर दी प्रोग्राम में आया चुपचाप उसने क्या करा इनपुट में ए की वैल्यू उठा के कर दी ट्वेंटी तो इनडायरेक्टली एज की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई ट्वेंटी पर जब मैं फिर मैं घर पे आई अपने जब मैंने अपना प्रोग्राम रन करा तो मेरे को ट्वेंटी एज दिखा रहा है मैंने कहा यार मैंने तो फिफ्टीन डाली थी ये ट्वेंटी कैसे हो गई मुझे पता ही नहीं चला तो क्या हो गया मतलब हमारी किसी ने वैल्यूज उठा के चेंज कर दिया और हमें पता नहीं चला तो इनके ऐप्सोलेशन क्या कहता है जब ऐसी चीज़ें आपके साथ हो तो आप लोगों को अपना प्रोग्रामिंग का स्टाइल बदलना पड़ेगा तो उसने क्या करा अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इनके ने कहा अपना प्रोग्रामिंग का स्टाइल बदलना सीख लो तो उसने क्या करा अब ये इंट एज की जगह आप लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करना शुरू करो अब आप इंट एज की जगह यहाँ पर लिखो अपना वेरिएबल को कर दो प्राइवेट अब आप कर दो प्राइवेट इंट एज ओके और यहाँ पे एक वर्ड इनपुट का जब आप मेथड बनाओगे तो ए की वैल्यू जब इंट एज कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे एस ओ पी एल एन लगा दो कि वैल्यू चेंज्ड क्योंकि जब भी आप कोई आएगा बंदा जब वो भी जब भी वो आपकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेगा तो आपको मैसेज भी लिखा हुआ आ जाएगा वैल्यू चेंज्ड ओके तो अब क्या होगा अब फिर से एक बंदा आया हैकर आया मेरी ए की वैल्यू उस समय लेट से फोर्टी चल रही थी हैकर के हैकर आया उसने क्या करा ए की वैल्यू चेंज करने की पहले डायरेक्टली कोशिश करी उसने क्या करा उसने कहा ये तो ग्लोबल वेरिएबल है चलो एज की वैल्यू डायरेक्टली उठा के फोर्टी कर दो यहाँ पे एक प्रोग्राम प्रोग्राम के नीचे एक लाइन लगा लो क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है तो एक्सेस हो जाएगा एज इज़ इक्वल टू फोर्टी पर कंपाइल टाइम मेरा आ गया क्योंकि इट्स अ प्राइवेट वेरिएबल फिर उसने कहा चलो कोई नहीं मैं ट्राई करता हूँ ऑब्जेक्ट बना के उसने ऑब्जेक्ट बना के ट्राई करा ए की वैल्यू यहाँ पे उसने डाली लेट से ट्वेंटी ठीक है जी वैल्यू तो चेंज हो गई एज की एज की हो गई अब ट्वेंटी पर साथ में मैसेज आ गया वैल्यू चेंज्ड इट इज़ वॉट वैल्यू ट्वेंटी आ जाएगी और वैल्यू चेंज्ड आ जाएगा आउटपुट में तो जब भी मैम नेक्स्ट टाइम अपने घर पे आई मैंने देखा वैल्यू ट्वेंटी हो गई और नीचे लिखा हुआ आया मैसेज वैल्यूज चेंज मतलब किसी ने मेरे प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करी है सम वन ट्राई टू चेंज द वैल्यूज ऑफ माई प्रोग्राम तो क्या करा इन कैप्सुलेसन ने मुझे इंडिकेट करवा दिया कि कोई आया था और आपका प्रोग्राम में उसने कुछ वैल्यूज चेंज करी या मैनिपुलेट करने की कोशिश करी तो इन कैप्सुलेशन क्या कहते हैं अपने हमेशा वेरिएबल्स प्राइवेट रखा करो उससे क्या होगा जब भी कोई आपकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेगा तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने जैसी वैल्यू चेंज होगी नीचे मैसेज लगा हुआ है हमारा एस ओ पी वैल्यू चेंज तो आपको वैल्यू चेंज मिल जाएगा फिर इसको आगे हम लोग लिख देंगे इसके प्राइवेट ओके okay? और अपना ये जो फंक्शन है इसको कर देंगे पब्लिक ठीक है और मैं इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करूँगी और जैसे मैं जब वैल्यू चेंज करूँगी तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी आई और एक मैसेज के साथ कि वैल्यू चेंज्ड या मॉडिफाइड जो भी आप डालना चाहते हो अब मैंने क्या करा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा अब आप देखिए मैं आपको जैसे अगर मैं कही थी ना कि मैं आई की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली डाल दूँ लेट से सेवेंटी तो मेरे को एरर मिल जाएगा ओके तो अब मैंने अगर कंपाइल करा तो ये देखिए अभी यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई तो जब आगे करेंगे तो आई की अच्छा यहाँ पे है ओके सो लेट्स टेक इट क्यू एंड दिस इज क्यू तो ये देखिए अभी तो मैंने कोई दिक्कत नहीं हुई पर हम लोग अब आगे इसकी वैल्यू नहीं दे पाएंगे ये ओके okay, सो so ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा अभी हमने सिंपल इसकी जो पुरानी वाली वैल्यू है उसको हम एक्सेस करेंगे सो so, अब इसने मुझसे वैल्यू मांगी एक मिनट हम लोग उसको बिना वैल्यू करें वाइड मेन से कॉल करेंगे अब मुझसे मुझने वैल्यू मांगे ट्वेंटी थ्री तो आप देख सकते हैं वैल्यू नहीं आई ट्वेंटी थ्री आ गया और वैल्यू चेंज आ गई क्योंकि मैंने ऊपर वैल्यू इसकी जो ऑरिजिनली दी थी तो ये देखिए मैंने आई की औरजनली वैल्यू सेवेंटी दी थी यहाँ पर फिर मैंने क्या करा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया फटाफट और मैंने उसकी वैल्यू चेंज करवा दी ओ बी में जाके और मैंने जैसी इसकी सेवेंटी से वैल्यू लेट से ट्वेंटी थ्री फोर्टी फाइव जो भी मैंने करवाई मेरे पे मैसेज आ गया वैल्यू हैज़ बीन चेंज्ड अब मान लो लेट्स से मैंने ओरिजिनली वैल्यू की टेन रखी थी मैंने कंपाइल करा एक बार पहले हम लोग इसको अपनी पहले टर्मिनल विंडो को क्लोज करके क्लीन कर देते हैं ये मैंने क्लोज़ कर दी अब मैंने क्या करा अब मैं यहाँ पर आऊँगी और इसकी वैल्यू ओ बी डॉट चेंज से चेंज करने की कोशिश करूँगी तो एक बार देखिए चेंज करके देखते हैं लेट्स सी क्या ये चेंज होगी और आउटपुट हमें पता चलेगा कि यह इनकेप्सुलेशन बताएगा तो मैंने वर्ड मेन से अब आई की वैल्यू वन टू थ्री कर दी तो आप देख सकते हैं वन टू थ्री और वैल्यू चेंज्ड आ गया तो इससे मुझे पता चलेगा कि सम वन ट्राई टू मैनिपुलेट विद माई डेटा नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आपकी प्रोग्रामिंग के प्रोसेस के लिए इनहेरिटेंस क्या करता है एज द नेम सजेस्ट मतलब कुछ ना कुछ तो कोई किसी की वैल्यू इनहेरिट कर रहा है क्योंकि इनहेरिटेंस हुआ है मतलब इनहेरिट हमारा इंग्लिश वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि वन टेक्स द वैल्यू ऑफ द अनदर तो इसमें क्या होता है हमने क्या बनाया एक क्लास बनाई से पेरेंट ओके और पेरेंट ने क्या था उसके पास कुछ सामान था चाइल्ड तो चाइल्ड ने भी कुछ सामान था अब मैंने क्या करा दोनों के पास मैंने फंक्शन दिया वर्ड होम ये इसका फंक्शन था चाइल्ड का फंक्शन था वर्ड होम तो मैंने एक चीज देखी यार वर्ड होम तो कोर्स देखो एक बार बताओ अगर रियलिटी में भी पेरेंट्स एंड चाइल्ड लिव टुगेदर इन द सेम होम एक ही होम में रहते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं एक ही जगह आते हैं तो मैंने ये देखा जब मैं वॉय्ड होम एक बार जगह बना चुकी हूँ तो मुझे बार बार क्यों बनाने की ज़रूरत है उससे मेरा क्या हो रहा है मेरे बहुत सारी लाइंस वेस्ट हो रही हैं और उसके बाद फिर मेरा प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा है और टाइम अलग वेस्ट होगा तो मैंने क्या करा क्लास चाइल्ड है सॉरी इसको ब्रैकेट कलर था क्लास चाइल्ड है मैंने लगाया एक कीवर्ड एक्सटेंट्स और मैंने आगे लिख दिया क्लास का नाम जिसको मैं इनहेरिट करना चाहती हूँ पेरेंट ये यहाँ पे भी नहीं लगेगा तो मैंने क्या करा क्लास चाइल्ड एक्सटेंस पेरेंट तो जैसे ही मैंने ये कीवर्ड लगाया तो अब क्या होगा जितना भी समान पेरेंट के पास है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड को मिल जाएगा तो अब मुझे यहाँ पे अवॉइड होम लिखने की जरूरत नहीं है तो मतलब चाइल्ड अवॉइड होम मेथड यहाँ पेरेंट से कॉल करवा सकता है ओके इन द सेम वे कि जब चाइल्ड के पास हम लोग ऐसे बात करें एक मिनट लें कि अगर चाइल्ड के पास पास no मतलब उसके जीरो जीरो मनी है, जीरो मनी है तो वो क्या करता है है वो वो अपने पेरेंट्स पेरेंट्स से पैसे मांगता इन द सेम वे जब चाइल्ड को अपना सामान नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा जाके पेरेंट वाली क्लास में देखेगा क्या इसके पास सामान है वो ऑफकोर्स है तो फ्री, फ्री सामान नहीं यूज कर सकती जस्ट लाइक की द पेरेंट्स कॉन्ट आर्स चाइल्ड फॉर द मनी बिकॉज चाइल्ड चिल्ड्रेन आर नॉट अर्निंग इन द सेम वे अ पेरेंट कैन नॉट आर्स द चाइल्ड क्लास फॉर एनी फंक्शंस बट द चाइल्ड क्लास कैन आर्स द पेरेंट क्लास फॉर एनी ऑफ द फंक्शंस इनहेरिटेंस आपको अगर इम्प्लीमेंट करनी है अपने कोडिंग में तो यू हैव टू यूज दिस एक्सटेंट्स की वर्ड एक्सटेंट की वर्ड इंडिकेट्स दट अब इनहेरिट हो रहा है कुछ ओके okay? तो इनहेरिटेंस हम डेफिनेशन बात करें तो क्या इट इज अ प्रोसेस बाई विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट दिस प्रॉपर्टी अलाउज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू क्लास फ्रॉम द एक्स्टिंग क्लास क्योंकि हमने देखा नई क्लास हमने बनाई क्लास चाइल्ड और हमने क्लास चाइल्ड से कह दिया कि तुम थोड़ा सा सामान अपनी पीछे वाली जो ऑलरेडी पेरेंट क्लास थी वहां से उठा लेना ओके सो इट हेल्प्स टू क्रिएट

अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लें तो इफ योर पेरेंट इज लिविंग इन हाउस नंबर सेवेंटी दिल्ली तो योर चाइल्ड हैव टू स्टिल लिव इन हाउस नंबर दिल्ली एंड इफ द पेरेंट्स लिव गो उन्होंने चेंज कर दी वैल्यू सेवेंटी की जगह नाउ दे आर लिविंग इन टेन हाउस नंबर दिल्ली तो चाइल्ड हैजू अगेन चेंज देयर वैल्यू वो अपने ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी तो ट्रांजिटिव नेचर मीन्स दैट चेंजेस डन इन द ओरिजिनल क्लास आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल द इनहेरिटेड क्लास ओके क्लियर हुआ सबको इनहेरिटेंस नेम नेम सजेस्ट व्हाट इज एज द सजेस्ट लेट्स राइट इट फर्स्ट पॉली मॉर्फिज्म तो देखिए पॉली का मतलब क्या हो गया मेनी ओके एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है इंग्लिश में फॉर्म्स तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग नॉर्मल बात करें तोड़ तोड़ के कि मेनी फॉर्म्स तो इसका मतलब है कि व्हेन द सेम मैसेज इज सेंड इज़ सेंड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट द इंटरप्रटेशन एंड द रिस्पॉन्स जनरेटेड विल बी डिफरेंट एंड दिस इज़ नोन एज पॉलीमोफिज्म अब भी हमने इसका लाइव एग्जाम्पल करा था क्या करा था हमने हमने क्या करे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए क्या करा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए और सब ने मेरे को सेम मैसेज दिया हर ऑब्जेक्ट ने कि भाई अपनी वैल्यू डाल दो इंड की मैंने वैल्यू तो चेंज करके थर्टीन करी तो देखिए थर्टीन आ गई अब मैं क्या I will put the value out here, 15, तो क्या करूँगी आई विल पुट द वैल्यू आउट हियर फिफ्टीन तो फिफ्टीन आएगी इधर आउटपुट में तो देखिए फिफ्टीन आ गई और अगर मैंने इधर कर दी नाइन्टी वन तो इधर नाइन्टी वन आ गई तो दिस इज नोन एज पॉलीमोफिज्म मतलब एक क्लास ने ढेर सारे ऑब्जेक्ट बनाए और उन ढेर सारे ऑब्जेक्ट ने अलग अलग वैल्यूज दी तो क्या हुआ ये पॉलीमोफिज्म हुआ इसको मतलब सेम मैसेज वॉज सेंड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज एंड द रिस्पॉन्स जनरेटेड या यू कह सकते हो रिजल्ट जनरेटेड वॉज डिफरेंट एंड दिस डिफरेंट इज नोन एज पॉलीमॉफिजम ठीक है क्लियर हुआ सबको ओके okay, तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपको बहुत ढंग से आना चाहिए कि व्हाई एंड व्हाई अ क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री दिस इज वेरी इंपोर्टेंट यू शुड नो ये बहुत बार पूछा जा सकता है पूछा जा चुका है ओके okay. तो हम लोग क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री मैंने अभी आपको दिखाया है लाइव एग्जाम्पल एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते जाओ ये मैंने थ्री बनाए हैं आई विल क्रिएट मोर ये देखिए क्लास को कोई दिक्कत नहीं बनाते जाओ ये देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट्स बनते गए हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आव क्रिएटेड सेवन ऑब्जेक्ट्स एंड आई कैन क्रिएट मनी मोर देर इज नो एंड तो क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसमें मेरे पास डूजे नहीं होगी तो हम लोग कहेंगे कि अ क्लास रिप्रेजेंट्स सिंपली क्लास रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड ऑफकॉर्स बात है मैंने भी आपको समझाया था कि ऑब्जेक्ट्स का एक सेम वैल्यूज होती हैं नॉर्मली ओके सो ऑफ द सेम काइंड क्यों है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्योंकि ऑब्जेक्ट सामान कहाँ से उठाते हैं अपना सिंपली ऑब्जेक्ट्स कहाँ से उठाते हैं सामान अपना क्लासेज से और क्लास मतलब एक जगह से समान उठाए तो ऑफकोर्स उनमें कुछ कॉमन चीजें तो होंगी तो ऑफ द सेम काइंड ठीक है जैसे हम लोग लिख देंगे एग्जाम्पल अब हम लोग एग्जाम्पल डिफरेंट ले लेते हैं लेक एक्पल ऑफ द क्लास नेम एज सेल अ सेल फोन रिप्रजेंट्स की हम लोग क्लास को एग्जाम्पल ले लेते हैं सेल फोन का नाम हो गया लेट्स ए नोकिया फिर हम लोग छोटा एग्जाम्पल पहले की जो कंपनीज थी एस आईफोन और फिर उसके बाद लेट्स टेक इट मोटरोला तो हमने क्या करा हमने इनको क्या करा हमने अलग अलग क्लासेस हमने एक ऑब्जेक्ट से ढेर सारी क्लासेज तो बना ली डी सार ऑब्जेक्ट्स क्लास एक थी ऑब्जेक्ट हमने ढेर सारे बना लिए बट दे हैव सेम एट्रीब्यूट्स उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे इनके सेम एट्रीब्यूट्स एंड मैथड्स ठीक है नोकिया एस टीम आई फोन क्या होगा हो इन सबके पास की पैड तो होगा ही होगा डिजिटल हो सबके पास फोन में टॉर्च तो अवेलेबल होती ही होती है टॉर्च के बाद लेट से सबके पास स्पीकर तो होता ही होता है ये सबके सेम चीजें हैं और इनका बिहेवियर एंड मेथड क्या होगा हर ऑब्जेक्ट का सेम विल बी दिहेवियर मैथड सेम इन सब में क्या होगा um, let's say, कि they will कॉल call, कॉलिंग के लिए यूज़ होते हैं उसके बाद म्यूजिक के लिए इनका मेथड है आर यूज फॉर म्यूजिक ओके और या फिर क्या कह सकते हैं म्यूज़िक के बाद फोटोज क्लिक करने के लिए तो हमने देखा कि माना सेलफोन सब अलग अलग कंपनी के या ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं बट दे हैव द सेम एट्रीब्यूट दैट कुड बी देयर स्ट्रक्चर दैट कुड बी देयर साइज और दैट कुड बी लेट्स से देयर स्पीकर्स वाला कुछ भी हम ले सकते हैं बट द The they have same. So hence an object can produce any number of a class can produce any number of objects. Hence that is why a class is known as a class factory, object factory. आप यहाँ पे की पैड टॉर्च की जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको भी टू be वेरी स्पेसिफिक हम लोग स्ट्रक्चर लिख देते हैं सबके स्ट्रक्चर तो सेम ही होंगे फाइव पॉइंट वो ऑब्जेक्ट बता देगा कि नोकिया का सिक्स इंच का होगा आईफोन का एट इंच का सेवन इंच का होगा फिर इनका नेम और फिर आप वर्जन लिख दीजिए टू बी और स्पेसिफिक की थोड़े बच्चों वाले हो के, तो मैंने थोड़ा बड़ों के लिए स्ट्रक्चर नेम और वर्जन क्लियर एट्रीब्यूट इज नैल्यूज वैल्यूज दैट आर होल्ड वैल्यूज दैट आर होल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एट्रीब्यूट ठीक है तो मतलब जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है ठीक है जो मैंने इस बनाया ऑब्जेक्ट है ओ बी जे डॉट आई तो ठीक है तो ये जो डॉट आई मतलब ओ बी जो आई वेरिएबल जब ओ बी जे के साथ एसोसिएट होगा और ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट के साथ और जब वो वैल्यू फिफ्टीन होल्ड करेगा दिस इज नोन एन एट्रीब्यूट तो कोई बोलेगा कि ओबीजे का आई के एट्रीब्यूट क्या है तो हम बोलेंगे उसका क्या है इट्स फिफ्टीन क्लियर हुआ डिफ्रेंशिएट बिटवीन या फिर डिस्टिंग बिटवीन द बेस क्लास एंड पेरेंट क्लास या फिर आप यूँ कह सकते हो एंड क्लास ठीक है तो इसका हमें अलग से क्वेश्चन नहीं है इनहेरिटेंस का ही पार्ट है को हम लोग पेरेंट क्लास कहते हैं और हमारी डिराइव क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास कहते हैं तो नो सच डिफरेंस तो हम लोग क्या कह देंगे अब बेस क्लास और पेरेंट क्लास इज अपर क्लास फ्रॉम वेयर द मेथड्स आर इनहेरेटेड ठीक है आर इनहेरिटेड और वॉट इज अ चाइल्ड क्लास अ चाइल्ड क्लास इज अ क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज या फिर द मेंबर फंक्शंस ऑफ अ बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास क्लियर तो अगर किसी ने कहा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द उप तो फिर क्या है उप के फीचर्स तो अभी हमने देखे द फीचर्स ऑफ द ऊप आर क्लास ऑब्जेक्ट पॉलीमोरफिज्म पॉलीमोर्फिज्म के बाद हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन के बाद क्या था व्हाट वाज दैट एनकैप्सुलेशन

कि हमारा जो पूरा समान है जो मतलब हमारा प्रोग्राम है हमने उसको क्या करा है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डिवाइड करवा के अलग अलग वैल्यूज दे दिए हैं तो हम लोग कह सकते हैं द कम्प्लीट सोल्यूशन सिंपली कम्प्लीट सोल्यूशन इज डिवाइडेड इन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि इसका अलग अलग फीचर्स कह सकते हैं इन सम ऑब्जेक्ट्स उसके बाद वॉट वी कैन गिव इज ईच सल्यूशन या फिर ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ सेपरेट डेटा विच कैन नॉट बी चेंज बाय अदर ऑब्जेक्ट क्योंकि अभी हमने देखा कि हमने ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए पर ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिला कि एक ऑब्जेक्ट जाके दूसरे ऑब्जेक्ट का वैल्यू बदल दे ऐसा हो सकता है कि मतलब लेट्स की क्रेटा कार है क्रेटा कार जाके हम वॉट्स वैगिन की आप सिंपली कह रहे तो वॉट्स वैगन की जाके उसकी क्वालिटीज बदलाए इट्स इम्पॉसिबल इन द सेम वे नो ऑब्जेक्ट कैन चेंज वैल्यू ऑफ अनादर ऑब्जेक्ट ओके ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है ऊप्स का नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट केम्युनिकेट बट दे कैन नॉट चेंज द वैल्यू मतलब वैल्यूज चेंज नहीं कर सकतेन चेंज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बट दे कैन इंट्रैक्ट मतलब वो एक दूसरे की वैल्यू देख सकते हैं अच्छा आपकी इतनी वैल्यू है ओके okay, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट दे कैन चेंज दस वे

ऑब्जेक्ट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर बस तो ये आपका उप के फीचर्स रहे